सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो अभी 30 अप्रैल हो गया है आज और सुबह का 6 बज रहा है अप्रॉक्स और हम लोग ट्रैक की तैयारी पे हैं। हमने ब्रेकफास्ट वगैरह पैक कर लिया है, यू कैन सी प्रॉपर तरीके से एकदम फुल पैक कर लिया बिकॉज हम लोग ऊपर जाके ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और बस 15-20 मिनट में निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं लामा डूब ट्रैक और बाकी डिटेल आपको आगे पता लगने वाली, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस ये हमारे आशीष भाई, हेलो आशीष भाई, ऑल सेट फॉर ट्रैक? ये सब सवर रहे हैं हमारे यहाँ पे, दिखाइए क्या क्या बात में आपके हाथ में ये ट्रैक की तैयारी चल रही है। देखिए फ्रेंडशिप बैंड बजा जा रहा है, इनके खास दोस्त ने दिया था ये लो से हम बात देते हैं। सो गाइस ऑल सेट और ये हमारी टीम आज की ट्रैक की। तो ट्रैक में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको गाइड वाइड लेना, हम लोग अकेले जा रहे हैं, बाकी जो डिटेल्स होंगी मैं आपको शेयर करते रहूँगा। और हमारे ट्रैक लीड हैं आज अनुविक भाई, सारी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है, सारा मैप वैप इनको रखा हुआ है। बाकी खली भाई हमें फूक मार के सबमिट पहुँचा दो। सो गाइस जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है आपका हिडिम्बा टेम्पल के रास्ते से। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ओल्ड पुल से हिडिम्बा होते हुए। अगर आपने हिडिम्बा वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने हिडिम्बा जाकर पूरा एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे पूरा मंदिर दिखाया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वो भी नियर बाई है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में, आपको कुछ भी टैक्सी वैक्सी करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। सो गाइस खली भाई हमारे साथ कुछ स्टोरी शेयर कर रहे हैं। हाँ खली भाई, इतने मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आई, मैंने ऐसे धार लगाई कि चट्टान कर गई। क्या बोला तूने? यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है, आपको याद होगा हम हिडिम्बा टेम्पल गए थे यहाँ से, और यहाँ से जो राइट जा रहा है वो जा रहा है इस ट्रैक को, तो हम लोगों को अभी राइट जाना है। सो गाइस यहाँ से आप जब आते हो यहाँ पर आपको दो रास्ते कटते हुए मिलेंगे, तो यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट, ये रास्ता रूट याद रखना। खली भाई का सिक्स सेंस सही बोला था वैसे। क्या कह रहे हो? कोई शक्ति मुझे पीछे खींच रही है। खली भाई ऐसी बातें मत करो यार। ये बोला ना तुमने, यहाँ से ऊपर जाना है पानी की टंकी से, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अच्छा। सो गाइस हमें यहाँ से जाना है, ट्रेल्स भी स्टार्ट हो गई हैं, अब यहाँ से प्रॉपर ट्रैकिंग स्टार्ट होगी एक्चुअली, और ये डॉगी भी हमारे साथ चल रहा है। सो गाइस अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, ये जो साइड में लोहे की तार लगी है ना, इससे मेरी जैकेट फट गई है, सो आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ये भी रास्ता दिख रहा है, एक प्रॉपर मैप वगैरह देख लो भाई, फोटो खींच लो। सो गाइस इस तरह से छोटी मोटी ट्रेल है और आपको रास्ते में बहुत सारे होम स्टेज देखने को मिलने वाले हैं, ऐसी एक ये ड्रीम सीक्वेंस करके यहाँ पे ये भी दिखेगा। अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। बाकी हमारे ट्रैक लीड बहुत पीछे रह गए, ट्रैक लीड पीछे रहता है बट हम लोग सही रास्ते में है ना। गुड। और आशीष भाई कहाँ गए? आशीष भाई तो आ गए हैं, हमने सोचा था आशीष भाई पीछे होंगे और आशीष भाई आ गए। भाई ये तो छुपा रुस्तम निकल रहे हैं। अभी देखते जाओ कह रहे हैं। आपने पहले भी ट्रैक किए हुए? बहुत किए हुए, बिना ऐसे बर्फ वाले नहीं किए। अच्छा बर्फ वाले किए सारे? नहीं किए। अच्छा तो ये बर्फ वाला थोड़ी ना, ये तो नॉर्मल है, क्या पता आ जाए ऊपर। हाँ बर्फ गिर सकती है कह रहे हो आप? नहीं आप ऊपर थी पिछले महीने। अच्छा नहीं तो थोड़ा हवा मार के बर्फ गिरा दो ना। सो गाइस ये देखो मेरी जैकेट की बली चढ़ चुकी है इस ट्रैक के लिए, ये ट्रैक तो मुझे हमेशा याद रहने वाला है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली के अंदर, यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट रहती है। तो भाई लोग ये देख लो, मस्त एकदम गेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट आ गया है। सो गाइस अभी गैंग वॉर हो गया था यहाँ पे बाकी डॉगीज और हमारे डॉगीज के बीच में, बच गया भाई होना। सो गाइस ये लोग जो शॉर्टकट ट्रेल्स लेके चले गए थे वो ट्रेल कहीं मिली नहीं, काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमें इन्हें फ़ोन करके बुलाना पड़ा मेन ट्रेल पे। तो आगे रास्ता नहीं मिला क्या? सो
सो गाइस थोड़ा बहुत और पैदल चलने के बाद यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट आया हुआ है, फ्लैट पत्थर है एकदम। यहाँ पे हम रेस्ट करने के लिए रुक रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह यहीं करें, थोड़ा आगे गए? नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ी होगा, यहाँ पे नहीं होगा। एक बार क्यों हाँ, थोड़ा रेस्ट के बाद थोड़ा ऊपर भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वैसे आई डोंट थिंक ज़्यादा लंबा रह गया यहाँ से अब। नहीं, बहुत रह गया तो एक घंटा अपने को घर से आके हो, इससे तो आधे घंटे ही मानो। अच्छा, चार घंटे आराम से। तो गाइस ये दो डॉगी हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं, दे आर लीडिंग अस। सो गाइस थोड़ा सा और आगे चल के यहाँ पे आपको दो रास्ते कटेंगे, एक ये जा रहा है और इसी ऊपर ट्रेन को जा रहा है, तो हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कौन सा सही है। कहाँ पे? अच्छा हाँ, क्रॉस लगाया ना, गुड, क्रॉस लगाया यहाँ पे, तो यहाँ नहीं आना है। सो विल गो अप, ठीक है। और यहाँ से आपको अमेजिंग व्यू भी देखने को मिलने वाला है, स्टार्ट हो गया व्यू। वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद आपको एक प्रॉपर हट मिलेगा यहाँ पे, तो एक अच्छा पॉइंट है। खाना वाना खाने के लिए अगर आप आते हो, बट गंदगी मत फैलाना, प्लास्टिक के रैपर्स बिल्कुल मत फेंकना, प्लास्टिक की बोतल मत फेंकना, इनकेस अगर लेकर आते हो तो अपने साथ लेकर जाना। आना पड़ा ना वापस। आशीष भाई कितनी बार बताया है, ट्रेल जब यहाँ से तो ऑफ बीट ट्रेल में शॉर्टकट अपने मन से नहीं जाने का, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ। यही ट्रेल है तो थोड़ा सा यहाँ से ऑफ बीट ट्रेल स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के आना पड़ेगा। ये देखो, और ये डॉगी हमारा पूरा साथ देते हुए। ओ भाई, आई थिंक दिस इज गुड, यस। भाई अब आए ना ट्रेल तगड़े वाले। सो गाइस ट्रेल तो काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा अर्ली मॉर्निंग आ जाना, काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ा सा धूप में ना सन लग रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट वैसे ट्रेल अच्छा है। सो गाइस ये है यहाँ पे नेचुरल स्रोत, बिल्कुल एकदम पहाड़ों से आ रहा है पानी, ग्लेशियर से, तो आप चाहो तो इसे पी सकते हो। और खली भाई फोटोग्राफी करते हुए, खली भाई रुको फोटो लेता हूँ। सो गाइस ये स्रोत से एकदम से आपको दो कट मिलेंगे, है ना, तो दो कट में लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, बट वो स्टीप है, लेफ्ट वाला थोड़ा प्रॉपर रास्ता है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे मस्ती मारते हुए हम लोग निकल रहे हैं ट्रैक की ओर, और काफ़ी अच्छा वेदर है, भगवान की कृपा से अच्छा वेदर हुआ है। वाह, यहाँ से एक व्यू भी अच्छा देखने को मिल रहा है, मतलब सही है, मतलब मज़ा आ रहा है। स्पाइडरमैन आनंद भैया स्पाइडरमैन। अरे इधर वीडियो नहीं बनाया आपने, इनको हाथ देके चढ़ाया मैंने। इसका बनाना आप, कलम भाई आओ, कलम के हाथ देता हूँ। सो गाइस ये हमारे खली भाई कानून के हाथ देते हुए, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाथ दो आ जाओगे से नहीं भैया, कानून के हाथ लो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये भाई कानून के हाथ। काम अच्छा, अनुबिक के लिए रुका हुआ है, ही इज वेरी लॉयल। कम ब्रो, कम ऑन क्विक। भाई लो ट्रैक देख लो आप, एकदम स्टीप स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा बीच में है, आगे तो ठीक लग रहा है बोल रहे। तो गाइस यहाँ पे काम चल रहा है, एकदम प्रॉपर ट्रेल बन रहा है यहाँ पे, वायर्स वगैरह लगाई जाएंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, तो एक अच्छी बात है। सो गाइस यहाँ पे टेंट वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं, आई थिंक जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने लगाए हुए हैं, और ये पूरा एरिया जो है बहुत ही ग्रीन है। नीचे जाने का मन तो कर रहा है, बट अभी टाइम नहीं है। हाँ भाई, वो कौन सा पहाड़ है, उस पे एक वाइट स्ट्रक्चर बना हुआ है। कहाँ पे? देखो वो वाला, उस पे जा सकते हैं। ये वाला? वो बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं, नहीं वो नहीं है। तो गाइस लिटरली मतलब मज़ा आ रहा है नेचर में, और ट्रेल्स काफ़ी अच्छी हैं, तो ऐसी फालतू के मजाक मजाक करते हुए एकदम मज़े लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो
थिंग इज कि हमने अप्रॉक्स 2-3 किलोमीटर तो कर लिया है, तो आई थिंक कुछ 1-2 घंटे का रास्ता और होता रहेगा, 2 घंटा का रास्ता और बचा होएगा मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पे कोई मार्क वगैरह भी नहीं लगा हुआ है, तो आपको थोड़ा केयरफुली आना है, शॉर्टकट्स वगैरह मत लेना, जो ट्रेल्स मैंने वीडियोज़ में दिखाई हुई हैं उन्हीं को फॉलो करना है ना, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो फिर तो मत आना अकेले। सो गाइस यहाँ से अगेन 2 ट्रेल आ गए, सो वी आर थिंकिंग कुछ लोग ऊपर चले गए हैं, यहाँ से रास्ता है क्या आगे है? तो भाई लोग ऐसे ही बात है कि जो 2 ट्रेल हैं वो एक ही जगह पे मिल रही हैं, तो आप सीधे ऊपर को आ जाओ स्टीप वाले में। चल भाई चल, किसका वेट कर रहा है ये भाई? वहाँ से वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसका आने का, और अनुभिक भाई पीछे से आ रहे हैं धीरे धीरे, इंजॉय करते हुए जर्नी को, और हम लोग स्टीप ट्रेल में चढ़ रहे हैं। सुनो रास्ता है तो आना, नहीं तो फिर नीचे जाके आओ, रास्ता है तो आना, नहीं तो फिर प्रॉपर ट्रेल से आओ, इतना खाली गिर जाओगे। हाँ नहीं पीछे से आओ फिर भाई, हमारे थोड़ा रास्ता भटक गए थे, मिल गया ना अब ट्रेल। सो गाइस अनुभिक भाई हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, तो अभी हम इनको लेने वापस आए हैं। अनुभिक भाई एक बात बताओ। हाँ जी। जाओ छोटी बच्ची हो क्या? आज तो भाई ये व्लॉग में ही डायलॉग चल रहा है पूरा हमारा। ओह वाओ आगे व्यू कितना अच्छा लग रहा है यार, मस्त। और ये बायोडिग्रेडेबल है इसलिए हम इसे जमीन में फेंक रहे हैं, एल्स हम इसे वापस लेके जाते हैं अगर नहीं होता तो। खली भाई का आइडिया था यहाँ पे अंडे खाने का, नहीं तो हम लोग अभी ऊपर जाके खाना होते, ऊपर पराठे खाएंगे, ऊपर पराठे खाएंगे बोल रहे हैं खली भाई। और थैंक्स करण फॉर होल्डिंग कैमरा। सो गाइस ट्रेल थोड़ा सा स्टीप फिर से हो गया है, और मुझे लग रहा है आते वक्त थोड़ा सा पता लगने वाला है, बिकॉज स्टीप तगड़ा है ना, और थोड़ा मिट्टी वाला रास्ता है ना, थोड़ा उतर तक थोड़ा स्लिपरी जैसा लगता है। यस तो लुक क्या मिला, अखरोट। तो यहाँ पे एक्चुअली अखरोट के पेड़ मिले हैं। सो गाइस दिस इज एन ऐप विच इज़ कॉल्ड व्हाट, maps.me। यस, इसमें आप लोग रूट सेट करके कोई भी ट्रैक कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज गूगल मैप में ये ट्रैक दिखाता नहीं है, तो हम अभी इसी के सहारे चल रहे हैं। सो गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे, ये ना दिख रहा है ना आपको, ये पालक के पेड़ जैसे दिख रहे हैं, पता नहीं हमारे यहाँ पालक की सब्जी होती है ना उसी तरह का दिख रहा है, ये पूरे जंगल में है, नीचे भी ग्राउंड में भी दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा है, पता नहीं क्या है यार, जोर की चीज़ है जो भी है, ये देखो ना पालक तो नहीं है, कह रहे कोई फूल का पेड़ लग रहा है मेरे को। सो गाइस चलते चलते हम लोग ये छोटा सा भुगियाल सा है यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत ही अमेजिंग है, और जैसे मैं बता रहा था ना सब्जी वगैरह पता नहीं क्या फूल के पेड़ या सब्जी के पेड़ कुछ तो हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, और पूरा ग्रीन है वैली, और अप्रैल में आया हुआ हूँ मैं, लास्ट मंथ ऑफ अप्रैल, 30 तारीख है आज, 30th of April, और ब्यूटीफुल वैली यार, मज़ा आ गया, वर्थ कमिंग हो गया, मतलब वन डे ट्रैक के लिए तो बहुत सही जगह है, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर आना यार, ओल्ड मनाली अगर आ रहे हो तो, मज़ा आ गया। एज यू कैन सी आगे इतना मस्त व्यू दिख रहा है, पूरी वैली है ज़बरदस्त एकदम जिंदाबाद। सो गाइस वो मेडो से हल्का सा लेफ्ट लेके ट्रेल मिलेगी आपको, थोड़ा ट्रेल विजिबल नहीं है, बट अगर आप लेफ्ट आते रहोगे ना तो आपको छोटा सा एक बहुत नैरो सा ट्रेल दिखेगा, उस पर आ जाना, और अगर आप maps.me यूज़ कर रहे हो उसमें तो ट्रेल मिल ही जाएगी आपको, है ना,
तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यार, मतलब ग्रीन हो रखा है अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड है, इजी है। हम लोग आराम से ग्रुप के जा रहे हैं फोटोज़ वगैरह खींच के। हाँ, फोटोज़ वगैरह अगर देखनी हो तो आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा भाई। इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशीष भाई कम ऑन। सो गाइस, एज यूजुअल जो समिट का लास्ट वाला पैच है एकदम स्टीप है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और ट्रेल्स भी बिल्कुल एकदम ऑफबीट है एज यू कैन सी। तो थोड़ा सा सांस फूल जा रही है इसमें, धीरे धीरे चलना है हौले हौले और बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं अब। सो गाइस, हम लोग इतनी हाइट पर आ गए कि हमको सामने वाले माउंटेंस ऑलमोस्ट बराबर दिख रहे हैं। भाई लोग चलते चलते बर्फ़ भी दिख गई अब तो हमें, ये देखो, और सारे माउंटेंस आसपास ही दिख रहे हैं। आवाज़ सुन रहे पत्ती होगी। सो गाइस, करण भाई और मैं बहुत आगे आ गए हैं, तो हम लोग ने डिसाइड किया थोड़ा 5-10 मिनट उनका वेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं, दो लोग सबसे आगे चल रहे हैं और दो लोग बीच में हैं और एक हमारा जो बंदा है वो लास्ट में आ रहा है, जो छोटी बच्ची है। सो गाइस, हम लोग यहाँ से आए थे सामने से और यहाँ पे हमको प्रॉपर ट्रेल्स दिख गई है, तो आई गेस वापसी में हम यहीं से निकलेंगे, बिकॉज ये वाला रास्ता थोड़ा ज़्यादा स्टीप था। तो अब यहीं से हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं और सामने अमेजिंग यू नो स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा क्लाउडी वेदर होने लगा है, तो वी आर होपिंग कि वेदर ख़राब ना हो। सो गाइस, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये, अगर आप गूगल मैप में देखोगे तो ये लामा डुग नेचुरल वैली के नाम से मार्क्ड है। तो ये बेसिकली छोटी सी वैली है, आई थिंक यहाँ पर बरसात के टाइम में फूल वगैरह अच्छे आते होंगे, तो किसी ने मार्क करी हुई है। और यहीं से हमें जहाँ से हम आए थे वहाँ से हम लेफ्ट ले रहे हैं, तो ये ट्रेल सीधा जाती है ऊपर की तरफ लामा डुग मिड पॉइंट की तरफ, वो भी मैप में मार्क्ड है। तो हम लामा डुग मिड पॉइंट पहुँचेंगे, फिर वहाँ से सबमिट करेंगे। तो आई थिंक अप्रोक्स आधा एक घंटा तो और लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ हमारी स्पीड, और थोड़ा सा ट्रैक एग्जैक्टली भी नहीं पता है, मैं थोड़ा देख दुख के निकलना पड़ रहा है ना। तो धीरे धीरे चलते हैं। वो लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे हैं, मैं बीच में हूँ, वीडियोज़ बनाते हुए जा रहा हूँ ना आप लोग के। लाइक देखो इसी बात पे यार, थोड़ा वीडियो शेयर वेयर करो यार, लाइक लुक कमेंट वमेंट करके बताओ कैसी हो रही है ना। चलो चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। सो गाइस, थोड़ा सा और आगे चलने के बाद आपको ऐसे स्नो मिलने लग जाएगी ट्रैक पे, थोड़ा सा स्लिपरी भी है। और आनंद भाई हमारे इसी स्नो से पानी जमा करके पीने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज रियल एडवेंचर। गलत बात है, ऐसे ऐसे नहीं भागना चाहिए यार, आगे ग्रुप के साथ रहना चाहिए, छोटी बच्ची हो क्या? तो आगे कैसे पहुंच गए? सो गाइस, हम लोग इस एक छोटा से बुग्याल में आ गए और आशीष भाई हमसे पहले पहुंच गए थे यहाँ, इन्होंने पता नहीं कौन सी ट्रेल पकड़ी, हम परेशान हो रहे थे वहाँ, ये पहले बैठ गया, नीड भी निकाल ली इन्होंने, गलने से भरा जबकि पेक बोतल भरी मैंने पेक में। मैं देख रहा हूँ नेचर के प्रेमी है, 4-5 बार आइस खा लिए उठा उठा के, बस सही है। इसमें भी आइस भर के लाया था मैं। नहीं, बढ़िया बढ़िया। बाकी ये आई थिंक ये ना थोड़ा कैंपिंग वैम्पिंग के लिए अच्छा स्पॉट है, कैंपिंग यहीं पे करते होंगे ऊपर सबमिट करने से पहले। यहाँ पे शेल्टर है, जो यहाँ पे लंच वगैरह करके हम लोग लामाडू की तरफ जा रहे हैं। तो लामाडू जो है यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में था, तो हम लोग नीचे आ गए थे बिकॉज हमको यहाँ पर प्लेन एरिया दिखा था अच्छा बैठ के खाना वाना खाने के लिए। अभी हम वापस जा रहे हैं थोड़ा सा, कि जहाँ से हम लेफ्ट आए थे वहीं से हमको राइट जाना है ना। सो लेट्स गो, कम विद मी, दिस इज लामाडू व्यू पॉइंट। सो हमारे ट्रैक लीड आगे से लीड करते हुए, वाह। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड, दिस इज द लामाडू, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू और अमेजिंग बुग्याल एज यू कैन सी। हमने यहाँ पे 2-3 घंटे अच्छे से बिताए,
और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत अपना फोटोग्राफी वगैरह करी, वीडियोग्राफी वगैरह करी, काफ़ी मज़ा आया। और आप देख ही लो, मतलब मस्त जाने का मन नहीं कर रहा है। वो दो लोग अभी भी वहीं बैठे हैं, वो बोल रहे हैं हमें नहीं आना, दो 5-10 मिनट करके। मतलब व्यू इतना शानदार है कि जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, बट फिर भी जाना तो पड़ेगा। और फिर हमको कल एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वेदर भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा यार, हवाएं चल रही हैं, बादल लगे हुए हैं, अगर बारिश होगी तो ट्रेल्स गीली हो जाएंगी, आपको भी पता है थोड़ा दिक्कत होगी उतरने में, तो इसलिए हम टाइम से निकल रहे हैं। सो कैसा लगा व्यू मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, कैसा लगा लामाडू पीक और ये ट्रैक ये भी मुझे कमेंट करके बताना। बहुत ईजी है, नॉर्मली आपको मैप देख के आना है, नियर भी आराम से आप कर लोगे, है ना। कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ब्रेकफास्ट और लंच पैक करके लाओ और बेस्ट ट्रैक करो, बट गंदगी मत फैलाना यहाँ पे, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है ना। तो गाइस अभी यहाँ पे कोई टेंट पिच करने के लिए आए हुए हैं, तो मैंने उनसे पता किया था कि अगर आपको अपना टेंट पिच करना है खुद का तो क्या प्रोसेस है। तो मैंने पूछा था कि कम परमिशन का क्या सीन है, तो बोले थे कि तुम्हारे साथ अपना एक गाइड होना चाहिए, लोकल गाइड यहाँ का, तो आप पिच कर सकते हो। बाकी आई थिंक अगर ये फॉरेस्ट एरिया है, सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, बट आई एम नॉट श्योर कि उसके एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, बट आप देख लेना। बट वो बोला था कि आप अकेले भी चाहो तो पिच कर सकते हो, बट अपने रिस्क पे, बट गाइड होना इंपॉर्टेंट है, ऐसा उसने बताया। बाकी यही है, बस हम अब ट्रेल से उतर रहे हैं और सीधे पहुँचते नीचे, और आपको सीधे मिलता हूँ हॉस्टल में। हम लोग पहुंच गए उदयपुर, ये छोटा सा विलेज है। सो गाइस वहां से तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंच गए त्रिलोकीनाथ टेंपल। तो भाई लोग सीन ये है कि अभी मंदिर से तो मैं आ गया था, बट स्कूटी जो है खराब हो गई है,